अलवर गेट थाना अंतर्गत रहने वाले एक बुजुर्ग महिला को फर्जी बैंक अधिकारी बन एटीएम की डिटेल पूछकर 10,000 रुपए बुजुर्ग महिला के खाते से निकाल लिए। बुजुर्ग महिला के बेटे ने अलवर गेट थाने में अज्ञात छात्र युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भजनगंज निवासी मुकेश गोयल ने बताया कि उनकी माता दुर्गा देवी के पास एक फर्जी बैंक अधिकारी का फोन आया और उसने कहा कि आपका बैंक खाता बंद किया जा रहा है, जिस पर दुर्गा ने अपने दोनों एटीएम की डिटेल छात्र युवक को बता दी और कुछ ही समय बाद दुर्गा देवी के खाते से 10,000 रुपए छात्र युवक ने निकाल लिए। जी भाई, क्या हुआ था? अपनी 11:30 बजे के करीब एक फोन आया कि भाई मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, और आपका खाता बंद कर रहे हैं। उस खाते को बंद करने के लिए उन्होंने कुछ नाम पते एड्रेस मांगे जो, और बोल दिया कि पर्टिकुलर मेरे माताजी का ही नाम लेके बोला है कि आपका खाता ये संख्या ये है और आपका ये खाता बंद कर रहे हैं। तो माताजी ने कहा कि भाई खाता बंद क्यों कर रहे हो? तो कहा कि आपका ये एक्सपायर वगैरह हो गया, तो आपका आपका पिन नंबर वगैरह ये सब चेंज होगा तभी होगा। तो माताजी ने कहा कि भाई मेरा बेटा है नहीं अभी घर पे और वही काम करता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं माताजी, आप अपना ATM वगैरह निकालो और उसमें से मेरे को बता दो जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी यहाँ पे ही कार्रवाई कर दे रहा, मैं बैंक का कर्मचारी हूँ। उसके बाद उसने क्या है कि उसका CPIN और ये सारी चीज़ें पूछ ली, आगे के नंबर और जितने भी हिडन जो नंबर वगैरह कार्ड के अंदर होते हैं वो सारी चीज़ें पूछ ली। उसके आधार पे उसने कहा कि आपके पास एक OTP आएगा, वो दे दो। माताजी ने वो OTP वगैरह दे दिए और संयोगवश क्या हुआ कि उसने पिताजी के खाते के भी OTP वगैरह और ये सारे दे दिए। और उसने क्या धीरे धीरे नेट बैंकिंग कुछ तो उन्होंने ATM ट्रांसफर के थ्रू निकाला और कुछ नेट बैंकिंग के थ्रू निकाला। कितना अमाउंट निकला लगभग? 10,000 रुपये के करीब का निकल गया। दर्ज करा दिया? मुकदमा दर्ज करा दिया? मुकदमा दर्ज करा दिया है अलवर गेट थाने में। किसके नाम से खाता था? दुर्गा देवी। कहाँ के रहते हैं? भजनगंज के नाम से। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।